Assalamu alaikum everyone, this is Khanzadi Binti Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binti Ali. Pedigree analysis, it is a tabular representation of a family history by taking a particular disease or character into consideration. पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जो है वो फैमिली का कोई कैरेक्टर, कोई जो है वो डिजीज होती है उसकी हिस्ट्री जो है वो मतलब निकालते हैं और उसको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसको पेडिग्री एनालिसिस कहा जाता है। पेडिग्री एनालिसिस में डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज होते हैं। हम इस वीडियो में वही सिंबल्स ही जो है वो सीखेंगे कि किस तरह की सिंबल्स होती हैं और उनको वो क्या रिप्रेजेंट कर दी होती है। सबसे पहले जो है वो जो हमारे पास पेडिग्री में सिंबल होती है वो होती है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है मेल। देन सर्किल, इट मींस फीमेल। जब मेल और फीमेल के दरमियान एक लाइन होती है, अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस लाइन एक्सप्रेस द मैरिज। ठीक है, अब देखो ये हो गया मेल, ये फीमेल, इनके दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है वो मैरिज को शो करती है। Again, when there is an other line which is vertical, ये जो vertical line है ये show करती है offspring को। और इसी vertical line के नीचे जो individual होगा वो होगा offspring। It might be daughter or might be son. पहले देखो इस तरह की पेडिग्री थी, ये शो कर रहा है कि इन दोनों जो है वो कपल का एक ही जो है वो ऑफस्प्रिंग है। अगर इसी वर्टिकल लाइन के नीचे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आ जाए, ये एक्सप्रेस कर रही होती है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को, मींस के एक से ज्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर था एक ही जो है वो डॉटर थी और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर हमने जो है वो फर्दर ऑफस्प्रिंग को मेंशन किया हुआ है कि दो डॉटर हैं और एक सन है। सर्किल हाफ कलर्ड हो लाइक दिस और हाफ जो है वो तरह से वाइट, इस तरह के इंडिविजुअल को हम कहते हैं हेटरोजाइगस फीमेल। और अगर स्क्वायर हाफ कलर्ड हो, हाफ व्हाइट हो, तो इसको हम कहते हैं हेटरोजाइगस मेल। और अगर सर्किल हो और सेंटर में यू डॉट हो तो इसको हम कहते हैं कैरियर फीमेल, क्योंकि मेल कैरियर नहीं होता।
अगर स्क्वायर कंप्लीटली ब्लैक हो या कलर्ड हो तो उसको हम कहते हैं अफेक्टेड, यानी कि उसमें या तो वो कैरेक्टर मौजूद है या तो फिर जो है वो इस वाले इंडिविजुअल को बीमारी है, डिजीज है। और अगर सर्किल ब्लैक हो तो अफेक्टेड। अगर मेल और फीमेल के दरमियान डबल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए इस तरह से, दैट लाइन शोज कि ये जो मैरिज है ये है कॉन्सेंग्यूइनस मैरिज। ठीक है, और कॉन्सेंग्यूइनस मैरिज का मतलब ये होता है कि ये कजन मैरिज है। अगर हमारे पास ऑफस्प्रिंग कुछ इस तरह के हो तो इसको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स। और अगर इस तरह हो तो नॉन आइडेंटिकल। तो ये जो है वो कुछ सिंबल्स थी जिनको हम जो है वो इस वाले वीडियो में जो है वो सीख चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से जो है वो ये सिंबल होती हैं और कैसे जो है वो ये यूज होती हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सीखेंगे। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।